दावला देखिए सबसे पहले तो अल्लाह तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि एक अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक तो बिग बैश में परफॉर्म करना और कंट्री के लिए परफॉर्म करना एक अलग बात होती है, उसकी अलग फीलिंग होती है, और जितना अपने अपने कंट्री के लिए बेस्ट करना चाहूँगा तो ज़रूर करूँगा। देखें जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो किसी भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हो तो ओबियसली एक आपकी परफॉर्मेंस को रिगार्ड ज़रूर दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब परफॉर्म कर रहा था इतना एक आइडिया था कि यार इंशाल्लाह इस दफ़ा जो सीरीज़ होगी अगर बांग्लादेश की टीम आती है तो उसमें अपना नाम आ सकता है मेरा। खातिर आरिस, पिंडी से आपका ताल्लुक है और आप टेप बॉल क्रिकेट में काफ़ी जो है वो नाम कमा चुके हैं, तायरी पिंडी के साथ और तैमूर मिर्ज़ा के साथ और शहबाज कालिया के साथ। तो अब जो है वो टेप बॉल से जब कन्वर्ट हुए हैं तो लाहौर कलंदर के जब फाइनल था तो उस वक्त मैंने आपसे पूछा था कि आप कितने पुर उम्मीद हैं पाकिस्तान टीम में आने के लिए, तो आपका कहना था कि अल्लाह ताला की मर्जी है, बाकी मैं अपना फुल जो है वो कमबैक करूंगा और पाकिस्तान में आऊँगा। कितनी खुशी हो रही है टेप बॉल से हार्ड बॉल में कन्वर्ट होते हुए और पाकिस्तान का जो सितारा है आपके सीने पर लगा? हाँ देखें, जब मैं टेप बॉल खेलता था जारी बात है कि टेप बॉल में मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है मैंने पाकिस्तान के अंदर, बट जब मैं ट्रायल्स के बाद सेलेक्ट हुआ था तो मैंने टेप बॉल उस टाइम छोड़ चुका था। तो ऑब्वियसली दो साल हो चुके हैं हार्ड बॉल क्रिकेट में हूँ, अच्छी क्रिकेट खेल रहा था और अब जाहिर बात है कि अच्छी क्रिकेट खेलते खेलते अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे फ्यूचर में भी अच्छी क्रिकेट खेलता रहूँगा। हारिस, अमूमन जो भी नए लड़के चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद पाकिस्तानी टीम में आए वो टीम में आते जाते रहे हैं, ठीक है, जो भी लड़का आता है दूसरे मैच में ड्रॉप होता है, हारिस किस फ्रेम ऑफ माइंड से अपनी क्रिकेट का आगाज़ करने जा रहे हैं परसों से? देखें आप अगर क्रिकेट में अगर पाकिस्तान टीम में जब आते हो तो ओबियसली एक बंदे का टारगेट होता है कि यार अपने कंट्री को एक लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करें और जितना अच्छा पाकिस्तान के लिए एक नाम बनाएं उसके लिए अपने नाम बनाएं साथ अपनी कंट्री का नाम बनाएं, तो इंशाल्लाह अपनी फोकस यही है कि तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। T20 से स्टार्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह, अब इंशाल्लाह आगे भी वनडे में चांस मिला, टेस्ट में चांस मिलता है तो इंशाल्लाह अपनी कंट्री के लिए। आरएस थोड़ी धड़कने तेज हुई हैं क्योंकि आप दो लीग्स के अंदर तो एक अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल चुकी हो, धड़कने थोड़ी तेज हुई है? देखें जाहिर बात है एक लीग्स खेलना और कंट्री के लिए खेलना एक दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, और एक कंट्री के लिए आपकी और डिफरेंट माइंड्स, आप जाहिर बात है जब ग्राउंड में होते हो अपना क्राउड है, जिस तरह भी हमारी होम सीरीज़ है तो इसमें जब अपना क्राउड होगा तो एक इंसान को अपना बूस्टअप मिलता है कि यार सारा अपना क्राउड है, ना कि प्रेशर लूँ इस चीज़ को, एक इसको पॉजिटिव थिंग में जाके अच्छा परफॉर्म करूँ। नहीं नहीं, जिस तरह अभी मूसा और स्नैन की तो मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी सीरीज़ है तो वो भी एक जहरी बात है कि उनको भी एक आइडिया हो चुका है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह क्रिकेट खेलनी है, तो जहरी बात है उनके साथ खेलूंगा मैं, दो तीन साल से उनके साथ खेल रहा था क्रिकेट जिसमें अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, तो इंशाल्लाह कोई इतना प्रेशर नहीं है, तो अभी अपना जहरी बात है एक अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह जहाँ पे भी अभी मौका मिला है तो अपना अपने आप को यूटिलाइज़ किया, अपने जो भी स्किल्स हैं उसको फुल 100% दिए, तो इंशाल्लाह अभी भी चांस मिला है तो इंशाल्लाह इसको भी अपना 100% दूंगा। हमारे बड़े खुशकिस्मत हो कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है और तुम पाकिस्तान का हिस्सा बन रहे हो और पाकिस्तान क्राउड के सामने, और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जो है उसमें आपका हदफ क्या होगा? देखिए होम सीरीज़ है और मेरे लिए एक प्राउड फील करता हूँ कि अपनी होम सीरीज़ में मेरा डेब्यू होगा, तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ को कोशिश करेंगे जीतेंगे और जितना अपना जारी बात एक टारगेट ये बनाया कि इसको अपना बेस्ट ऑफ सीरीज़ का बॉलर बनूं, एक चांस मिला है तो इंशाल्लाह इसको भी 100% दूंगा। रिसेंटली जिस तरह परफॉर्म करता हुआ आ रहा हूँ तो इंशाल्लाह यही परफॉर्मेंस अपनी यून थी है जो बिग बैश में थी वही यहाँ पर अपनी कंट्री के लिए करूँ, तो देखते हैं अभी क्या होता है। नहीं उसमें एक जारी बात है कि मैंने उसमें एक जो अपना एक स्टाइल किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बट वो मुझे खुद ही फील हुआ था और कि यार मैंने एक गलत किया है, जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको उस चीज़ को गलत समझा जाता है, तो नेक्स्ट मैच में जब मैंने अपना उस जब टिपिकली पाकिस्तानी स्टाइल में जब अदाब जिस तरह हम कहते हैं जो, तो उस तरह मैंने कहा चलो अपनी जो गलती है उसको अपोलोजाइज करता हूँ और नेक्स्ट मैच में मैंने अपना स्टाइल चेंज किया था। ट्रैक सूट पाकिस्तान का जाहिर बात है एक हर प्लेयर का ड्रीम होता है कि यार
अपने कंट्री के लिए खेलना और उसको जारी बात है एक सितारे के लिए खेलना, तो अब इसके लिए एक मौका मिला है और इंशाल्लाह इसके लिए जो खुशी है वो अलग है, डिफरेंट है। अच्छा हारिस, आकिब जावेद साहब के अंदर आपने बॉलिंग प्रैक्टिस की है, अब वकार यूनुस के साथ अब आप अपॉर्चुनिटी मिली है ट्रेनिंग करने की, तो कैसा ये अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं आप देखें? बिल्कुल, जिस तरह 2 साल आकिब भाई के साथ था और अभी वकार भाई के साथ मुझे एक मौका मिला, तो जहरी बात है एक आकिब भाई भी लेजेंड थे, वकार भाई भी लेजेंड ही हैं और इनसे जो कुछ सीखने को मिला इंशाल्लाह जरूर सीखूंगा। और जारी बात है कि ये भी जिस तरह मेरा डेथ बॉलिंग करता हूँ या रिवर्स, मेरा यॉर्कर रिवर्स हो रहा था जो पुराना बॉल है, तो वकार बेग का इतना अच्छा रिवर्स, जारी बात है वकार बेग का अच्छा होता था, तो जो जिस तरह उनका कंट्रोल के साथ रिवर्स बॉल होता है तो कोशिश करूँगा वो और परफेक्ट करूँ, तो देखते हैं अभी वकार बेग से इंशाल्लाह काम करूँगा, उम्मीद है कि अच्छा कुछ सीखूँगा इनसे। देखिए जिस तरह मैं लाहौर के अंदर के ट्रायल से सिलेक्ट हुआ था 2 साल जब जो पहले 2017 में जब प्ले डोलन प्रोग्राम गुजरांवाला में थे, तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ, उसके बाद जब मुझे इतनी पता चली कि यार मेरी इतनी स्पीड है, तो फिर मैंने एक फोकस मेरा जारी बात है चेंज हो गया। जब आपको पता हो कि आप 140 प्लस बॉल कर रहे हो तो पाकिस्तान के अंदर आप कोई 140 प्लस बॉलर एज अ हो तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो नेगलेक्ट हो सकता है कि यार वो अच्छी क्रिकेट जरूर खेल सकता है, तो बस ये एक माइंड में था। जब PSL खेला उसमें भी अपनी एक टारगेट था कि 140 प्लस एवरेज से बॉल करता रहूँ, तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं जो भी ट्रेनिंग करता हूँ कोच माइंड में यही होता है कि यार अपनी जो पेस को वो मेंटेन रखूँ, तो अपनी जो ट्रेनिंग फिटनेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेंटेन है। तो अभी जो जिस तरह 150 टच किया बिग बैश में, तो 150 टच करना मेरे माइंड में नहीं होता, वो आप मैक्सिमम जिस स्पीड जितनी भी हो जाए वो एक अलग बात है, बट आपकी जो कंसिस्टेंटली बॉल होती है वो 140 प्लस बॉल करना मेरा टारगेट जो होता है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह अभी मैं बिग बैश में खेल रहा था आप सबको पता है जिस तरह वहाँ पे आपके प्लेइंग लेवल में 2 ओवरसीज प्लेयर खेलते हैं, तो मैक्सिमम उनके जो डोमेस्टिक के प्लेयर होते हैं उनको ज़्यादा मौका मिलता है, तो एक उनके लिए अच्छी चीज़ होती है कि यार आप इंटरनेशनल लेवल पे उनको चांस मिल रहे होते हैं, वो उनका जो प्रेशर है जो वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह अभी बिग बैश में खेलते हैं, तो हमारे यहाँ जिस तरह अभी पाकिस्तान में भी जिस तरह लाहौर के अंदर या कोई भी फ्रेंचाइजी जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स आते हैं उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, तो उनका कॉन्फिडेंस जारी बात है अप होता है, तो मेरे नज़र में उनका जो उनकी एक माइंड सेट है अपने प्लेयर्स के लिए वो उनको पहले ही उनको तैयार कर चुके होते हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए, जब वो अपने कंट्री के लिए खेलते हैं तो ओबियसली वो अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप फास्ट बॉलर के साथ तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से इंजरी रहती है, क्योंकि जारी बात है एक फास्ट बॉलर का वो और होता है जिस तरह वो ट्रेनिंग या उसका जिस तरह ग्राउंड के अंदर एक पावर लग रही होती है, तो इंजरी का भी शिकार जरूर जारी बात है फास्ट बॉलर तो जरूर रहता है, बट आप ट्रेनिंग साथ करते रहते हो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी इंजरी हो, बट देखते हैं अभी क्या होता है आगे। हाँ जारी बात है किसी के लिए भी इतना एक बड़ा उसको अचीवमेंट मिले तो खुशी थी, एक जारी बात है जिस तरह वालदैन की दुआएँ थी और वो जितने खुश थे जारी बात है वालदैन को खुश करना, जो अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश रहते हैं। ओबियसली जारी बात है अब वो नहीं है, तो जिस तरह की सीरीज़ है दो मेरे साथ जिस तरह शाहीन एक्सपीरियंस है वो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उससे जिस तरह मैं PSL में भी खेला था तो हमारा एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ था PSL में भी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी दोबारा उसके साथ मुझे चांस मिला पाकिस्तान टीम में, तो इंशाल्लाह एक अच्छे कम्बिनेशन से खेलेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा फेवरेट हैं क्योंकि हमारी टीम जारी बात अपनी टीम को बंदा सपोर्ट करता है, तो टारगेट तो कोई भी नहीं होते, जब ग्राउंड में बंदा जाता है मैच की सिचुएशन देखता है फिर उस हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ती है, तो अभी तक कोई टारगेट सेट नहीं किया, तो खतरे की अलामत कोई ऐसी खतरे की अलामत नहीं है। मैं आपका सवाल सही समझा नहीं प्लीज। मैं ये कहना चाहूँ कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज हुई है मगर मेन आपकी पहचान PSL थी, आप लोगों से एक साल गुजर चुका है, अच्छा परफॉर्म किया मगर उसके बावजूद कंसिडर नहीं किया गया था,
BPL की परफॉर्म पे आपको कंसीडर किया गया, PSL की बरियात में कुछ मजूसी हुई थी आपको कि परफॉर्म करने के बावजूद आपको कंसीडर किया गया? नहीं, मुझे उस टाइम कोई मायूसी नहीं हुई थी। मेरा टारगेट जाहिर बात है, जब मैं T20 में मैंने PSL में परफॉर्म किया था तो वनडे में मैं जाहिर बात है उस तरह शायद उस टाइम मैं फिट नहीं था, या मैं उस तरह अपने आप को समझ नहीं रहा था कि मैं वनडे में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। बट मेरा टारगेट था T20 वर्ल्ड कप और उसी पर फोकस था, अभी तक उसी पर फोकस है कि अभी जिस तरह अभी खेल के आ रहा हूँ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, तो मुझे नहीं लगता कि यार कि आपको कि अगर आप परफॉर्म करते रहो तो आप अपसेट हो, जब आपको मौका मिले आप उतना 100% दो। Thank you.